Okay, so should you buy a R15 version 2 in 2019 or should I say 2020? रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, शुड यू बाय अ पल्सर आर एस 2016 मॉडल इन 2019। रिसेंटली अपलोड किया था 2-3 दिन पहले और वो वीडियो को थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और मतलब वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल था बहुत से लोगों के लिए। और काफ़ी लोग होते हैं जो एक सेकेंड हैंड बाइक बाय करते हैं और उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि मतलब वो बाइक उनको बाय करना चाहिए या नहीं, तो कोई ऐसा वीडियो होना चाहिए यूट्यूब पर और ऐसे वीडियो बहुत कम थे यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों अभी R15 वर्जन 2 जो है काफ़ी अच्छी बाइक थी, काफ़ी लंबे समय तक चली। अभी रिसेंटली 2017 में जब R15 वर्जन 3 आया तो यमा ने जो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन उसके सेकंड हैंड बाइक अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, ऑफकोर्स रहेगी। बहुत सारे R15 वर्जन 2 थे तो अभी भी आप अगर एक बाय करते हो मार्केट में तो आपको R15 वर्जन 2 जो है ये अगर अच्छी कंडीशन में तो आराम से आपको 40-45,000 तक मिल जाएगी। सो अभी देखते हैं इस वीडियो में कि आपको वो जो बाइक है बाय करना चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है और फॉलो लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फॉलो वॉलो कर लो यार, कनेक्टेड रहेंगे हम। और बस फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो R15 वर्जन 2 थी ये काफ़ी अच्छी बाइक थी इन टर्म्स ऑफ लुक्स परफॉर्मेंस। और अभी रिसेंटली जो है R15 जो है वर्जन 2 ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, यमा ने 3 से 4 महीने पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, वरना अभी तक भी जो है आप इस बाइक को बाइक कर सकते थे। और क्योंकि अभी जो है R15 वर्जन 3 लॉन्च हो चुकी है तो अभी इस बाइक की ज़रूरत नहीं रही है। और अभी जो है R15 वर्जन 3 के अंदर 2020 में BS6 एमिशन वाला बाइक भी जो है लॉन्च हो जाएगा। तो हो सकता है अगर अभी वीडियो जनवरी में देख रहे हो तो शायद वो बाइक लॉन्च हो भी चुकी हो BS6 एमिशन वाली। सो अभी बात कर रहा हूँ दोस्तों वर्जन 2 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर वर्जन 2 काफ़ी अच्छी बाइक थी इन टर्म्स ऑफ लुक्स परफॉर्मेंस। इस बाइक के अंदर जो है आपको 149 cc लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHSE 4-वेल्व इंजन मिलता था, जो कि एक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन था। और ये इंजन जो है मैक्सिमम 16.8 BHP का पावर प्रोड करता था एट 8,500 RPM, जो कि काफ़ी अच्छा पावर आउटपुट है एक 149 cc इंजन के हिसाब से, या फिर हम 150 cc भी कह सकते हैं। और मैक्सिमम टॉर्क जो है 15 Nm एट 7,500 RPM। तो यहाँ पर टॉर्क और पावर आउटपुट फिगर्स जो है काफ़ी अच्छे थे एक 150 cc इंजन के हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पर अगर इसके डिज़ाइन और लुक्स की भी बात की जाए तो डिज़ाइन और लुक भी काफ़ी अच्छा था। इस बाइक को एरोडायनेमिक डिज़ाइन दिया गया था साइड से और जो फेयरिंग है इस बाइक की काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई थी। और ओवरऑल ये जो बाइक है काफ़ी स्पोर्टी लगती थी और अभी भी लगती है। और इसका जो सिटिंग पोस्चर है थोड़ा बहुत एग्रेसिव है, बट इसको चलाने में उतना ही मज़ा आता है क्योंकि इसको एक स्पोर्ट्स फील दिया गया है। सो सिटिंग पोस्चर थोड़ी सी एग्रेसिव होने की वजह से जो है इसको और भी राइडिंग फील से ज़्यादा आता है। हालांकि जो है बैक पेन थोड़ा बहुत होता है अगर आप इसको राइड मतलब थोड़ा लॉन्ग राइड करते हो, तो यानी कि 110 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर चलाते हो नॉन स्टॉप, तो थोड़ा बहुत बैक पेन जो है महसूस होता है, बट वो इतना मेजर नहीं होता है। और दोस्तों मेन बात है कि इस बाइक के अंदर जो आपको ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी मिलती है। फ्रंट के अंदर आपको 267 mm का हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में 220 mm का हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक। तो ब्रेकिंग जो है इस बाइक के ऊपर काफ़ी अच्छी थी और अभी भी है। ABS ऑप्शन इस बाइक में नहीं मिलता है, बट इट्स ओके, ABS आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है। 150 cc के अंदर तक ब्रेकिंग जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं, रियर में लिंक टाइप मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर। तो सस्पेंशन भी इस बाइक के काफ़ी अच्छे है, रियर में मोनोशॉक मिल जाता है और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स। तो सस्पेंशन के इसमें भी कोई इशू नहीं है। गियर शिफ्टिंग जो है दोस्तों इस बाइक के ऊपर का हमेशा से अच्छी रही है, बिकॉज यमा का इंजन है तो यमा के इंजन जो है हमेशा से स्मूथ रहते हैं और गियर शिफ्टिंग जो है काफ़ी अच्छी है इस बाइक के ऊपर। और अभी दोस्तों बात करता हूँ मेन यानी कि माइलेज की। तो इस बाइक के अंदर दोस्तों जब यह बाइक आप बाय करोगे तो ऑब्वियसली वो 2 से 3 साल तो यूज़ हुई रहेगी, तो उसका पॉसिबिलिटीज है कि माइलेज जो है थोड़ा बहुत डिक्रीज हो गया हो। बट एक सेकेंड हैंड बाइक पे उसका जो माइलेज है आपको सिटी के अंदर 37 से 38 किलोमीटर पर लीटर तक का मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब ये नई बाइक होती है तब आपको सिटी के अंदर 40 तक एवरेज जो है आराम से मिल जाता है। तो आई गेस कि सेकेंड हैंड बाइक के अंदर आपको 35 से 36 आराम से मिल जाएगा माइलेज, और अगर अच्छे से मेंटेन हुई रहेगी वो बाइक तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी मिले।
तो अगेन अब ये डिपेंड रहेगा कि आप वो जो बाइक आप बाई कर रहे हो तो वो कैसे मेंटेन हुई है, कैसा उसका मेंटेनेंस हुआ है, कैसे सर्विसिंग हुई है, वो सब चीज़ों के ऊपर फैक्टर पे डिपेंड रहेगा। उसका यूज़ कैसे होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ कि 36 से 37 किलोमीटर पर लीटर सिटी के अंदर माइलेज मिलना चाहिए। हाईवे पर जो है थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा 40-42 तक के। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक के अंदर जो है आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी मिलते हैं, तो जो कि बहुत ही कम बाइक्स में दिए जाते हैं। और जब ये बाइक सेल के लिए अवेलेबल थी तब इसका न्यू प्राइस था 1,20,000 रुपीज़ ऑन रोड। तो उस प्राइस सेगमेंट में क्लिप ऑन हैंडल बार्स देना वो भी एक अच्छी बात है। और क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं तो राइडिंग क्वालिटी जो थोड़ी बहुत और भी इम्प्रूव हो जाती है। ओवरऑल वैसे भी इसका जो राइडिंग क्वालिटी है काफ़ी स्मूथ है, इसको चलाने में उतना ही मज़ा आएगा जैसे आपको मतलब नया बाइक पे आता था। तो यहाँ पे राइडिंग क्वालिटी जो है हमेशा से यमा के इसमें स्मूथ ही रही है। सो राइडिंग क्वालिटी के बारे में आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि अगेन रेयर था उस वक्त, क्योंकि अगर आप R15 वर्जन 2 के टाइम के अगर बाइक्स देखो तो उस वक्त काफ़ी कम बाइक्स के अंदर जो है ड्यूल हेडलैम्प्स मिलते थे। तो इसके हेडलैम्प्स के अंदर आपको रात को विजिबिलिटी के ऊपर तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि लाइट्स जो है बरूबर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर जो लैंप वगैरह वो भी बदल सकते हो अगर आप पूछिए तो, आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन अवेलेबल है। जैसे आपने काफ़ी वीडियोज़ देखे होंगे R15 के जो लाइट्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, सो वो आप मॉडिफिकेशन कर पाओगे। और लास्ट अगर इसके बात की जाए इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो इतना एडवांस्ड तो नहीं है, बट इसके अंदर जो नेसेसरी डिटेल्स आपको मिल जाते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, वो सब चीज़ें जो है नेसेसरी चीज़ें जो आपको मिल जाती है। सो इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो एक नॉर्मल है उस वक्त के हिसाब से बरोबर यार, 2016 की बाइक है तो वो चीज़ के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके अंदर सारे नेसेसरी डिटेल्स जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर मैं फाइनली बात करूँ कि बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मेरे ओपिनियन में जो बाइक आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि बाइक है आपको जो है 40,000 रुपीज़ में मिल रही है। सो दोस्तों 40,000 रुपीज़ में एक R15 वर्जन 2 मिलना जो कि एक 150 cc की बाइक है, 16.8 bhp का पावर प्रोवाइड करती है, सो आई थिंक सो वो एक अच्छी डील रहेगी। बिकॉज R15 वर्जन 2 जो है हमेशा से लोगों को पसंद आई थी इसके लुक्स के हिसाब से, क्योंकि ये जो इसका लुक है R3 सीरीज़ के ऊपर से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो आई थिंक सो थोड़ा स्पोर्टी लुक आता है, स्पोर्टी फील भी आता है। तो अगर ये बाइक अगेन मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ प्राइस 40,000 रुपीज़, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रह सकता है, बट 40,000 में अगर ये बाइक आपको मिलती है तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी डील रह सकती है। और अगर बजट कम हो और बाइक का एक्सपीरियंस लेना हो तो आई थिंक सो ये बिल्कुल भी एक बैड आइडिया नहीं रहेगा। तो R15 वर्जन 2 एक 40,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में जो एक नॉर्मल और अच्छी कंडीशन में मेंटेन हुई हो, आई थिंक सो वो एक ग्रेट डील रह सकती है। तो बस फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप कि मैं जो सारे डाउट्स है जो सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बेहतर रहेगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ तो वहाँ पे जल्दी रिप्लाई कर पाऊंगा। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, फॉलो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो और हम कनेक्टेड भी रह पाएंगे यार। तो दैट्स इट, अगर वीडियो किसी भी रीजन के लिए अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं भी लूँगा आपको हमारे क्लाउड में, तब तक के लिए बाय।